तो बच्चों आपने दे ब्रोकली वेवलेंथ तो पढ़ ली, लेकिन आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना होगा। जिस तरह से हर वेव की वेवलेंथ होती है, उसी तरह से हर वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, और फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। मतलब फ्रीक्वेंसी जनरल फॉर्मूला है, फिजिक्स में भी यूज होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो चलिए यहां पे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम डी पुट कर देते हैं। तो एफ इक्वल टू हो गया लैम्डा, हमने पुट कर दिया एच अपॉन एम डी, तो ये आ जाएगा ऊपर जाके एम डी ऊपर चला गया, तो ये आ गया एम डी स्क्वायर अपॉन एच। अब आप सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम डी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से एम डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, टू को इधर ले जाइए, तो टू काइनेटिक एनर्जी, टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया एम डी स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग एम डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, और एम डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखिए बच्चों, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव कर ली, और ये रिलेशन है दे ब्रोकली फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में। और ये रिलेशन बता रही है कि एच तो कांस्टेंट है, लेकिन जो दे ब्रोकली फ्रीक्वेंसी है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की, उसकी दे ब्रोकली फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, टू और एच ये तो कॉन्स्टेंट है और के ही न्यूमरेटर में है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि एक पार्टिकल है और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने दो गुना कर दी है, टू टाइम्स कर दी है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स हो जाएगी, आंसर टू टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एफ और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इस पर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो उस न्यूमेरिकल से आपको यह फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए न्यूमेरिकल देते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि ए पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6.6 इंटू 10^-24 जूल। और पूछा जा रहा है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। आप सबने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो यहां पे हमें इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है अकॉर्डिंग टू दे ब्रोकलीज ड्यूअल नेचर। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया है एफ इक्वल टू टू के अपॉन एच, हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 6.6 इंटू 10^-24, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10^-34। ये कैंसिल आउट हो गया और यहां से एफ इक्वल टू आ गया 2 इंटू, ये पावर ऊपर ले जाइए तो +34 हो जाएगा, और +34 - 24 +10 होता है, तो 2 इंटू 10^-10 हर्ट्ज, ये आंसर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दे ब्रोकली फ्रीक्वेंसी का, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अब इस टॉपिक में बस एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर मोशन अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर, अकॉर्डिंग टू दे ब्रोकली हाइपोथेसिस। चलिए देखते हैं उसको।
तो हेडिंग डाल दीजिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। देखिए एक साइंटिस्ट थे बोर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को 100% पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में कूलंबिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। जैसे आप लोगों ने सोलर सिस्टम में पढ़ा है कि हर प्लेनेट की अपनी एक ऑर्बिट होती है और सन हर प्लेनेट के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स के चक्कर में हर प्लेनेट अपनी ऑर्बिट में सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब देखिए अगर हम ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट प्लेनेट पे लगाए तो प्लेनेट का मास तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वेव नेचर निग्लिजिबल आएगी, उसका लैम्डा निग्लिजिबल होगा, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो प्लेनेट के केस में ड्यूअल नेचर नहीं लगेगा, ठीक है। जो प्लेनेटरी मोशन है सन के अराउंड उस पे ड्यूअल नेचर नहीं लगेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत हल्का पार्टिकल है, यहां पे कैसे वेव नेचर को इग्नोर कर दें, बिल्कुल गलत बात है। तो ये बेटा बोर मॉडल का ड्रॉबैक है कि बोर ने इलेक्ट्रॉन की सिर्फ पार्टिकल नेचर को माना, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंसिडर नहीं किया, जबकि दे ब्रोगली ने बताया था इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। पार्टिकल नेचर की वजह से चार्ज होगा, चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स होगा, लेकिन वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करेगा वेव की तरह। और वेव की तरह रिवॉल्व करने का क्या मतलब है, क्रेस्ट बनाएगा और ट्रफ बनाएगा। आप लोगों ने सिंपल वेव मोशन के बारे में सुना होगा, ये चीज क्रेस्ट कहलाती है और ये चीज ट्रफ कहलाती है, और एक साइकिल क्रेस्ट और ट्रफ को मिला के बनती है, और एक साइकिल बनने में जो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसे हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा होता है डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, ठीक है। इसको आप नोट करिए जल्दी से, तो वेव लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। जैसे यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो ये हो गई एक साइकिल यानी वन लैम्डा, फिर यहां से यहां टू लैम्डा, फिर यहां से यहां थ्री लैम्डा, फिर यहां से यहां फोर लैम्डा, और फिर यहां से यहां फाइव लैम्डा। तो अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आंसर 5 लैम्डा, क्योंकि 5 साइकिल बना रहा है और एक साइकिल बनाने में 1 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होती है, तो 5 साइकिल बनाने में 5 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होगी, राइट। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कैपिटल एन, तो एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2πr होगा वो होगा एन लैम्डा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो 2πr है, और लैम्डा के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है जितनी साइकिल मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। जैसे यहां पे एक चक्कर लगाने में कितनी साइकिल बन रही थी, 5 साइकिल, और एक साइकिल में डिस्टेंस कितनी थी लैम्डा, तो यहां पे जो 2πr होगा इस डायग्राम में 2πr 5 लैम्डा के बराबर होगा। और इन जनरल अगर n साइकिल्स बन रही है इन वन रेवोल्यूशन तो 2πr को हम लिख सकते हैं n लैम्डा, राइट। अब यहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करने वाले हैं जो आपने बोर्स मॉडल में पढ़ा था, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए एच अपॉन एम बी अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगली, और एम बी को इधर ले आइए आर के पास, तो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2π। आपको यह फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा होगा,
बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम यानी एमवीआर, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। तो एक तरह से दे ब्रॉगली ने बोर का जो कॉन्सेप्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको प्रूफ किया, जबकि बोर इसका प्रूफ नहीं दे पाए थे एमवीआर इक्वल टू एनएच बाई टू पाई का, लेकिन दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमने इस प्रिंसिपल को प्रूफ कर दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये जो एन होगा बेटा वो तो इंटीजर होगा, या तो एक साइकिल बनेगी या दो साइकिल या तीन साइकिल, ऐसा तो है नहीं कि 1.5 बनेगी या 2.5 साइकिल बनेंगी। तो ये बात प्रूफ हो रही है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। और अगर हम इस रिलेशन को बोर की रिलेशन से कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू बोर, तो बोर ने भी यही रिलेशन दिया था, लेकिन उसने कैपिटल एन की बजाय स्मॉल एन यूज किया था, और उसने बताया था कि यहां पे जो एन है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे प्रेजेंट है तो एन बराबर 1 पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट पे प्रेजेंट है तो एन बराबर 2 पुट कर दिया, और अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट पे प्रेजेंट है तो एन बराबर 3 पुट कर दिया। तो देखिए बेटा, यहां पे ये जो रिलेशन है दे ब्रॉगली वाली और ये जो रिलेशन है बोर वाली, तो अगर इन दोनों रिलेशन को हम इक्वेट करें तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है कि जो कैपिटल एन है वो स्मॉल एन के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पे डिराइव हो गई है, इसको आप अच्छे से समझिए, नोट करिए कि जो एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन जो साइकिल्स बनाता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 साइकिल्स बनाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2 साइकिल्स बनाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो 4 साइकिल बनाएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन भी आया था कि एक इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो बताओ एक चक्कर लगाने में कितनी साइकिल्स बनाएगा, आंसर 3। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन है फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है, फोर्थ ऑर्बिट में, और वो कितनी साइकिल्स बनाएगा एक चक्कर लगाने में, तो आंसर है 4। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होता है उतनी ही साइकिल्स बनाता है इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली। एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं। दे ब्रॉगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को अडॉप्ट करते हुए इस तरह से न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए वेव की तरह ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ाया, और उससे रिलेटेड तमाम डेरिवेशंस, तमाम कॉन्सेप्ट बताए। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।